हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल मजे में। दोस्तों, आज आपका भाई इवनिंग में ऐसी जबरदस्त रेसिपी लेके आया कि आपको जो बनाना बहुत ही सिंपल है, आप खाने में तो मजा आएगा ही आएगा, बनाने में अल्टीमेट मजा आने वाला है। तो दोस्तों, आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बट रेसिपी तो मैंने आपको बताया नहीं कि क्या है। रेसिपी हमारी बहुत ही सिंपल है, जबरदस्त वाली पनीर के पकौड़े। आहा, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया ना। तो आइए दोस्तों, रेसिपी को स्टार्ट। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत ही सिंपल है। मैंने यहाँ पे धनिया ले लिया, आप देख सकते हैं, धनिया के पीसेस धुल के अच्छे से काट दिया है। यहाँ पे मैंने दो हरी मिर्च लिया, खड़ी वाली काट दिया, ग्रीन वाली। यहाँ पे हमने लिया हुआ है बेसन, जो कि नॉर्मल बेसन आपको मिल जाएगा मार्केट में। और यहाँ पे थोड़ा सा चावल का आटा, चावल का आटा ऐड करना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसकी जो क्रंचीनेस है जो पकौड़े में लेके आता है ना, वो यही है। दिस इज द सीक्रेट। उसके बाद हमने यहाँ पे कॉटेज पनीर लिया हुआ है दोस्तों। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम पनीर लिया, इसको नॉर्मल पीसेस में कट कर लिया है। मसालों में आप देख सकते हैं दोस्तों, सिंपल मसाला है, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा कस्तूरी लाल मिर्च, और यहाँ पे आपका थोड़ा सा धनिया पीसेस, और थोड़ा सा अजवाइन मैं डालूंगा इसमें। आइए दोस्तों, रेसिपी को अब स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करेगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेगा दोस्तों। और बिल्कुल वीडियो पसंद आएगी तो लाइक तो करना ही करना, सब्सक्राइब करना ही करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेगा। आइए दोस्तों, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने ये ले लिया बेसन। यहाँ पे मैंने बेसन डाल दिया, करीब हाफ बाउल बेसन, बस। यहाँ पे देखिए, हाफ बॉल बेसन डाल दिया हूँ। यहाँ पे मैं ये चावल का आटा जो है वो डाल दिया मैंने यहाँ पे, ये देखिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपका ये जो धनिया है, धनिया के पीसे ये डाल दिए अच्छे से, देखिए। और ये मिर्ची, ये दोनों को डाल दिया, ये रेडी हो गया आपका। अब इसमें दोस्तों बाकी हम मसाले ऐड ऑन करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अजवाइन ले लिया, अजवाइन जो इसका टेस्ट को बहुत ही इन्हांस करता है। ये डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डाइजेशन के लिए भी अच्छा है ये। अब हम इसमें बाकी मसाले ऐड ऑन कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे, मैंने थोड़ा सा हल्दी ले लिया है, थोड़ा सा गरम मसाला ले लिया है, थोड़ा सा कसूरी लाल मिर्च लिया है, और थोड़ा सा जीरा ले लिया है यहाँ पे, बस दोस्तों, हो गया। दोस्तों, इसमें बीच बीच में थोड़ा सा पानी, बिल्कुल नाम मात्र पानी डालना है, और ऐसे करके इसको अच्छे से कर लें, क्योंकि आप पानी अगर ज्यादा डालेंगे ना दोस्तों, इसमें तो प्रॉब्लम क्या होगा, गांठ बन जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आपको इसमें से नॉर्मल पानी डालना है और ऐसे मिक्स कर लेना है। देखिए दोस्तों, ये ऐसे हो गया, ये देखिए, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसी स्टेज में आपको नमक भी हल्का टेस्ट कर सकते हैं, ऐसे होना चाहिए दोस्तों, ये देखिए। अब इसमें दोस्तों हम पनीर को ऐड कर देंगे, ये देखिए, एक साथ पनीर को डाल देना है, इसको मिक्स कर लेंगे इसमें हल्के हाथों से, नहीं तो पनीर आपका टूट जाएगा। ये देखिए, ऐसे हो गया। आप इसमें पनीर की क्वांटिटी और घटा बढ़ा भी सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, ये देखिए। देखिए दोस्तों, हमारा ऑयल कढ़ाई में अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें ये मिक्सर को जो है, इसमें से एक एक करके फिर डालेंगे। देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त तरीके से बनता है, एकदम अल्टीमेट वाला। इसमें ऐसे करके सारे को हम डाल देंगे, ये देखिए। बाकी बचे हुए भी पार्ट्स में ऐसे करके डाल देंगे इसमें, ये देखिए। फ्लेम को दोस्तों लो टू मीडियम पे ही रखना है, ज़्यादा तेज नहीं करेंगे, नहीं तो पकौड़ी जल जाएगा और पकेगा नहीं पूरा। इसको पलटा लेंगे दोस्तों ऐसे एक बार, ऐसे हल्के हाथ से। तो दोस्तों देखिए, हमारे इवेनली पक चुके हैं पकोड़े बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे, ये देखिए। तो दोस्तों देखिए, हमारा जबरदस्त पकोड़े बिल्कुल बढ़िया तरीके से रेडी हो गया, देखिए इतने लाजवाब लग रहे हैं। तो दोस्तों, इसको सॉस के साथ, चटनी के साथ, किसी के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।